गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने एक बच्चे समेत 22 लोगों को कुचला, 13 लोगों की मौत हुई, कई की हालत गंभीर। सूरत के किम रोड पर यह हादसा हुआ है और यह हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क किनारे सो रहे थे ये मजदूर, घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी। नए कृषि कानूनों पर आज कमेटी की पहली बैठक, दिल्ली के पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में होगी चर्चा। गतिरोध का समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, 4 सदस्यों में से एक ने अपना नाम वापस ले लिया है। किसान आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने की साजिश, ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर एक मॉडिफाइड ट्रैक्टर तैयार। ट्रैक्टर में AK-47 के साथ आतंकी भिंडरावाले के स्टिकर दिखे, आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भारत विरुद्ध तीसरी ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया है। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस सतर्क, सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर SS यादव और एडिशनल DCP ने किसान नेताओं के साथ की बैठक। किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं, सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन में खालिस्तानी से जुड़े लोगों के शामिल होने के बाद पुलिस सतर्क है। सिंघू बॉर्डर पर लहराया गया पाकिस्तान का झंडा, किसान आंदोलन में मंच के सामने घंटों पाकिस्तान का झंडा लहराता रहा शख्स। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों का ऑपरेशन यू टर्न, अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं पर खुफिया एजेंसियों की नजर। गृहमंत्री अमित शाह आज जाएंगे पुलिस हेडक्वार्टर, सुरक्षा इंतजाम पर हो सकती है चर्चा। हिंदुस्तान की मुहिम का बड़ा असर हुआ है, वेब सीरीज तांडव की टीम ने देश से माफी मांगते हुए कहा किसी को दुख हुआ तो माफी मांगते हैं। वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं के अपमान से CM योगी आदित्यनाथ नाराज, Amazon प्राइम की इंडिया हेड समेत निर्माता निर्देश और लेखक के खिलाफ FIR। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने वेब सीरीज तांडव पर बैन लगाने के संकेत देते हुए कहा वेब सीरीज से विवादित सीन नहीं हटाया गया तो फिल्म पर रोक लगेगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में तांडव वेब सीरीज के खिलाफ याचिका, 32 फिल्मी हस्तियों पर आपराधिक केस चलाने की मांग की गई, 23 जनवरी को होगी सुनवाई। तांडव के खिलाफ BJP नेता राम कदम आज घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर भूख हड़ताल करेंगे, कल Amazon प्राइम के ऑफिस तक मार्च निकाला था। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया तांडव वेब सीरीज का समर्थन, बोले किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने की साजिश, समाज में जहर घोल रही है BJP। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी है, सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाने का आदेश देते हुए कहा क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कानून व्यवस्था बिगाड़ नहीं सकते हैं। वेब सीरीज स्टैंडअप को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक्शन, मंत्रालय ने Amazon प्राइम वीडियो के अधिकारियों को किया तलब। पश्चिम बंगाल में TMC को झटका लगा है, पूर्वी बर्धमान से तृणमूल नेताओं समेत सैकड़ों आदिवासी BJP में शामिल हो चुके हैं। कोलकाता में BJP की रैली पर पथराव, BJP के कई कार्यकर्ता घायल, TMC कार्यकर्ता पर पत्थरबाजी का आरोप। नंदीग्राम में ममता को टक्कर देंगे शुभेंदु अधिकारी, ट्वीट कर लिखा कि अब आमने सामने की लड़ाई होगी, नंदीग्राम में ममता दीदी का स्वागत है। नंदीग्राम में रैली से पहले ममता बनर्जी का विरोध, रैली स्थल पर लगे ममता गो बैक के पोस्टर। BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, कहा कि भवानीपुर में हार मान चुकी ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। BJP के शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा नंदीग्राम से ममता बनर्जी को 50,000 वोट से नहीं हराया तो पार्टी छोड़ दूंगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का ममता पर निशाना, कहा कि दीदी को सता रहा है हार का डर, इसीलिए भवानीपुर से लड़ रही है चुनाव। बंगाल के जग में कूदे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी का करेंगे समर्थन। को बंगाल चुनाव को लेकर दिल्ली में BJP की अहम बैठक, अमित शाह ने JP नड्डा का साथ देकर सेक्टर प्रभारी और संगठन मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल होगा राफेल, वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन से होगा फ्लाइट पास्ट का समापन, वायुसेना की झांकी में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की झलक। वहीं जम्मू कश्मीर में LOC पर पाक ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है, बारामूला के रामपुर सेक्टर में मोर्टार दागे। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेड ग्रेनेड, 2 AK-47 मैगजीन और कारतूस बरामद। आपके तरन तारण में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश की मौत हुई है, पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए, नशे की हालत में कार छीन कर भाग रहे थे बदमाश। केंद्रीय संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के भाई की संदिग्ध हालात में मौत हुई, शव के पास से मिली लाइसेंसी पिस्टल। दिल्ली में सरायकाले खान बस अड्डे के पास ट्रेवल कंपनी के दफ्तर में कई राउंड फायरिंग हुई है, CCTV में कैद हुई वारदात। वैक्सीनेशन के शुरुआती 3 दिनों में अब तक 3,81,000 लोगों को कोरोना का टीका लगा, 580 लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स देखे गए।
छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा भ्रम और संकोच है। पहले दिन 61% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 161 मरीज आए सामने, 8 लोगों की हुई मौत। नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज है, राजभवन में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। मेरठ में लवजिहाद के आरोपी पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, 2 लड़कियों को धर्म परिवर्तन की नियत से अपने साथ लाया था। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नोएडा प्राधिकरण बोर्ड का बड़ा फैसला, औद्योगिक भूखंडों के आवंटन नीति में बदलाव किया। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बीएसपी महासचिव राम अचल राजभर की संपत्ति होगी कोर्ट का एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मनरेगा मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है, अब मजदूरों को 100 दिन की जगह 150 दिन का काम मिलेगा। मेरठ के दोराला में गौ तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया, दारोगा और हेड कांस्टेबल को लगी चोट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कार सवार दबंगों ने साइकिल सवार राजगीर को बिना वजह जमकर पीटा है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से फैला। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन से की मुलाकात, सैनिक स्कूल और एम्स की उठाई मांग। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की किरकिरी हुई है, प्रदर्शन के दरमियान महिलाओं ने सीएम शिवराज के समर्थन में नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के गुना में नशे के अड्डे पर आबकारी और राजस्व विभाग की दबिश, जमीन के नीचे छिपाकर रखी गई हजारों लीटर अवैध शराब बरामद की गई। कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच टैलेंट हंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, भारतीय सेना की ओर से युवा टैलेंट को उभारने की कवायद है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले, हर और बर्फ ही बर्फ का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भीषण आग लग गई, सिलेंडर में धमाके के बाद लगी आग से कई झुग्गियां खाक हुई। हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप, 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।